तो जी डिनर का टाइम हो रहा है और मम्मी गई हुई है पंजाब। अब डिनर में मेरी फेवरेट चीज हम बनाएंगे राजमा। मतलब राजमा तो मेरे लिए निरा इश्क है। मैं इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकता हूँ, लंच में भी खा सकता हूँ, डिनर में भी खा सकता हूँ, तीनों टाइम। तो हम बनाएंगे राजमा ढाबा स्टाइल, राजमा मसाले और यू कैन कॉल इट राजमा रसीले। तो शुरू करते हैं इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज डिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। तो सिंस डिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है और मैंने राजमा भिगो रखी है, तो सिंस राजमा बीइंग माय निराइश, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल राजमा। और मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं ढाबा स्टाइल राजमा की, डैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राजमा रसीले, क्योंकि थोड़ी थिक टाइप ग्रेवी होती है, रस भरे से होते हैं। शुरू करते हैं, पहले राजमा बॉईल करेंगे। तो राजमा बॉईल करने के लिए एक कुकर, और कुकर में राजमा और पानी। अब पानी आपने ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर पानी ज्यादा डाल देंगे तो ग्रेवी ज्यादा बन जाएगी, और ग्रेवी ज्यादा बन जाएगी तो वो रसीले राजमा नहीं होंगे, क्योंकि इसमें लिप्टमी सी ग्रेवी होती है, थोड़ी थिक थिक टाइप ग्रेवी होती है, मतलब इतना कि भी राजमा को कवर भी कर ले और उनसे एक इंच ऊपर। इसमें डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट के बाद मसाले, थोड़ी सी हल्दी, और फिर लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ये उबालने के टाइम के मसाले हैं, बाकी मसाले बाद में जाएंगे तड़के में। काली मिर्च, साथ ही छोटी इलायची और बड़ी इलायची, तेज पत्ता, और राजमा को गलने में हेल्प करने के लिए बेकिंग सोडा। गैस कर देंगे ऑन, और कुकर के ढक्कन में सीटी में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अभी ऑयल डालने से ना कुकर का ढक्कन गंदा नहीं होगा। ढक्कन लगा दिया, अब पकने देंगे कम से कम 3 से 4 सीटी। मीन वाइल हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए कढ़ाई गरम कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे बटर। अब ढाबा स्टाइल है तो बटर एंड ऑयल भर भर के, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, बट आई फील ढाबा स्टाइल राजमा मसाला में बटर का टेस्ट ज़्यादा बेटर आता है, इसीलिए मैंने बटर डाला। आप चाहें घी डाल सकते हैं, बट शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी डालना है अनिवार्य डालना है, ठीक है जी। अब जीरा और साथ ही साबुत धनिया। देखो मेरे लिए तो साबुत धनिया की बाइट आना बहुत जरूरी है, अगर आपको नहीं पसंद तो हटा सकते हैं। अब एक्चुअली तड़का मैं कम बना रहा हूं, बट राजमा मैं ज्यादा बॉईल कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी वेरी कर सकते हैं। मैं राजमा इसलिए बॉईल कर रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि राजमा के साथ थोड़ी और रेसिपीज आपको दिखा दूं, इसीलिए तड़का कम राजमा ज्यादा, और राजमा के साथ बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज कमिंग योर वे, तो स्टे ट्यून्ड। जैसे ही जीरा और धनिया पक जाए, प्याज, अब मैंने प्याज की प्योरी बना ली थी, प्याज का पेस्ट बना लिया था। आप डालना चाहें तो आप चॉप्ड प्याज डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अब डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और प्याज को पकने देंगे। जब तक प्याज पक रहा है हम हरी मिर्च चॉप कर लेते हैं। तो 4 सीटी आ चुकी हैं, राजमा डन होंगे, इनको निकाल देते हैं साइड में और ठंडा होने देते हैं, प्रेशर निकलने देते हैं। तब तक ग्रेवी पे ध्यान देते हैं, एक्चुअली मसाले पे। तो मसाले के प्याज अभी हल्के हल्के ब्राउन होने लग गए, अभी इनकी कुकिंग और होगी। और साइड में एक सॉस पैन ले लेते हैं और इसमें पानी डाल लेते हैं। अभी जो पानी हमने बॉइलिंग पे रखा है ना, ये ग्रेवी की रंगत बढ़ाएगा। अभी आप देखिए अनियन के अंदर हल्के हल्के फाइबर है, वो फाइबर हटेंगे नहीं,
अनियन को खोदेंगे बट फाइबर स्टिल एग्जिस्ट करेंगे। तो वो एग्जिस्टेंस हटाने के लिए, वो फाइबर हटाने के लिए हम बॉइलिंग वाटर के साथ अनियन को पकाएंगे। बॉइलिंग वाटर के साथ अनियन को पकाएंगे ना, तो अनियन की वो जैमी कंसिस्टेंसी बाहर आएगी। तो जैमी कंसिस्टेंसी इंश्योर करेगी कि फाइबर ना आए मुंह में। अब देखिए, अनियन ऑलमोस्ट पक चुके हैं, कलर ब्राउन हो चुका है। अगर आपने और ब्राउन करना है आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से इट इज डन। आप पानी डालेंगे। अब अनियंस जैमी जैमी से हो गए, मतलब बिल्कुल पेस्टी पेस्टी टाइप, उनके अंदर का रेशा जो फाइबर है दिखाई नहीं दे रहा। तो अब डालेंगे मसाले। सबसे पहले हल्दी, लाल मिर्च। अब मैं इस केस में कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रहा हूं क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च रंग भी दे देगा और आपकी डिश को ज्यादा तीखा नहीं करेगा। और धनिया पाउडर। अब ये तीन मसाले डालने के बाद मिक्स। अब जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आ जाए हम डालेंगे पानी। अब मेरे से हल्की सी हल्दी ज्यादा हो गई है तो इसीलिए वो पीला पीला सा रंग आ गया। वैसे ढाबा स्टाइल डिशेस में ना वो रंग थोड़ा सा लाल टच में होता है ज्यादा, तो मतलब मिर्ची ज्यादा यूज होती है। इसीलिए आपने अगर वो वाला स्टाइल बनाना है तो मिर्ची ज्यादा रख लीजिए, हल्दी बिल्कुल नाम भर की। और अगर घर वाला स्टाइल बनाना है जैसे मेरा बन चुका है तो आप हल्दी थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मसाले पक चुके हैं, हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। और टोमेटो प्यूरी डालते ही सॉल्ट, साथ ही हम हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अब यूजुअली इस डिश में आई प्रेफर कि जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिल्ली फ्रेशली बीट करके डाले जाएं, मतलब ताजे ताजे कूट के डाले जाएं। अब मेरे पास वो ताजे ताजे कूटने का ऑप्शन नहीं था तो इसीलिए मैंने जो रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट होते हैं वो डाला है। बट वो फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए ना मैंने टमाटर के साथ डाला है ताकि पक भी जाए और फ्रेशनेस भी मेंटेन हो जाए। तो अगर आपके पास ताजा जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए। अब मसाले को ढक के पकने देंगे स्लो आंच पे। अब जब तक तड़का पक रहा है ना तब तक हम अपने राजमा का हाल देख लेते हैं। राजमा का प्रेशर निकल चुका है तो इसका हाल देख लेते हैं। राजमा भी डन है, इसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। जैसे ही मसाला पक जाएगा हम मसाले में राजमा डाल देंगे। तो मसाला भी हमारा डन है एंड जस्ट लुक एट दिस रोगन फ्लोटिंग ओवर इट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्या मस्त। बस वो जो हल्दी थोड़ी सी ज्यादा डल गई उस वजह से रंग थोड़ा पीला हो गया, वरना मसाला खुशबू से ही बता रहा है कि क्या अल्टीमेट बना हुआ है। अब राजमा डाल देंगे। अब आई प्रेफर टू यूज चित्रा राजमा। आप अगर चाहें तो वो लाल वाले राजमा डाल सकते हैं, बट वो जो लाल वाले राजमा होते हैं ना उनका हल्का सा आफ्टर टेस्ट होता है, बट ये जो चित्रा राजमा होता है ये थोड़े से स्वीटेस्ट टच में होता है, इसीलिए मैं चित्रा राजमा यूज करता हूँ। अब आपने सिर्फ राजमा राजमा डालना है, ग्रेवी नहीं डालनी। मसाला तो पहले ही बहुत बढ़िया है ना। अब ये राजमा ऑलमोस्ट डन है बट ढाबे वाली एक टच रह गई है, डैट इज टोमेटो केचप। ये टोमेटो केचप ना बहुत जरूरी है ढाबा स्टाइल राजमा में क्योंकि वो रसीलापन देता है एक, सेकेंडली वो टैंगीनेस देता है, थर्डली वो एंड में जो वो मिठास आती है ना वो देता है। राजमा डन है, कस्तूरी मेथी डाल के और धनिया डाल के इसको फिनिश करते हैं और फिर प्लेटिंग करते हैं। तो मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब राजमा वो भी रस भरे, डैट इज राजमा रसीले ढाबा स्टाइल, आपके पेशे खिदमत है। मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं आपको, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रेसिपी आपके पास है, जल्दी जल्दी ट्राई करो और फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर। Thank you. Sat Sri Akal. Happy cooking.